चमनिए हमारे बड़े भैया दिनेश तोमर जी को। बढ़िया चक्कर, बढ़िया गीत भी बढ़िया दिया है आपने, और जवाब हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, लाजवाब लाजवाब। और क्या, बढ़िया जवाब आया है, हाँ प्रथम चक्र है बिल्कुल। क्योंकि मैं एक पंक्ति जरूर बोलना चाहूंगी, हाँ बिल्कुल बेटे, आदरणीय है दिनेश भैया जी, बस भैया बढ़िया है। प्रथम चक्र में मैंने अपनी ओर से गीत को रखा और कहा भी था कि बड़े भैया गीत पर आपका गौर चाहूंगी, ध्यान चाहूंगी, लेकिन शायद आपके दिमाग से बाउंस हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे, ये लोग सुनते कम है आदरणीय दादाजी। और बाउंस कैसे हुआ है सुनेगा, मेरी पंक्ति बोल रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर प्रांगण में प्रबुद्ध जनमानस विराजमान है, और जब प्रबुद्ध जनमानस विराजमान है तो मेरे गीत में कुछ चल रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, सुनेगा। चल क्या रहा था, अरबी हग वेद नाम विवश है बेचारा, वेदना विवश बेचारा, यानी कि अनुप्रास अलंकार। और सुनिएगा, तो बाजी कहेगी बंसी बंसी धर की बाजी, एक बाजी माने बाजी तो जीतना, और एक बाजी माने सखी, और एक बाजी खेलना, सुनेगा। और तो बाजी कहे बाजी पे किंतु कहां बाजी, तो बाजी कहे कि लग जाएगी अब बाजी, तो बजा बजा बंसी आए कान्हा सताने, क्या बात है बेटे, तो यहाँ भी बजाने और वहां भी बजाने। लेकिन सम्मानी बड़े भैया, इधर से भी ताने उधर से भी ताने, मैंने बहुत कुछ छोड़ रखा था आपके लिए, मैंने सिर्फ तीन दिशाएं ली थी, और क्या, इधर से भी ताने उधर से भी ताने और इधर से भी ताने और उधर से भी ताने, और दाएं और बाएं इधर से भी ताने और इधर से भी ताने। लेकिन जो भी आपकी ओर से आया है बढ़िया आया है, लक्ष्मण लगे आज मन में पछताने, और इधर से ये माने उधर से ये माने, बढ़िया बात है, जैसा पहला प्रयास आपने किया है बढ़िया। अब क्या कह सकते हैं, पहला पेपर है आपका, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर विराजमान है। चला एक तीर और बने दो निशाने, वो आप जाने और आपका काम जाने, बिल्कुल बेटे बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि वो तो आपके दिमाग से बाउंस ही हो गया, बिल्कुल उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया ना बेटे, उन्होंने सुना नहीं है,
बिल्कुल और एक पंक्ति और बोली थी मैंने, एक है हसीना और उसके दो हैं दीवाने, बिल्कुल, लेकिन ये भी आपके दिमाग से बाउंस है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। बस इतना पता चल गया कि आपको भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, बस बकाया तो सब ठीक है आप, हाँ बिल्कुल, लेकिन अगली बार से आप ऐसा ना कीजिए, ध्यान दीजिएगा। आइएगा और से क्या बेटे दिया है आपने, हाँ हाँ तो कुड़ी आठ ना मिलाई चक्कर में आप समझ जाएंगे और आपका मूड ऑफ हो जाएगा और इस बात को आप स्वीकार भी कर लेंगे, बहुत समझदार हो। चलेगा गीत बढ़िया दिया है आपने, आपका टुकड़ा बोल रहा है, हाँ क्या बेटे, जितने भी बाबा हैं आपने सबको ले लिया, बिल्कुल, और लास्ट में आपने यूपी में बुलडोजर वाले बाबा आ गए, बिल्कुल, यानी योगी जी को भी ले लिया, और क्या, बढ़िया सोच, अपनी ओर से भी कोशिश कर रही हूँ, ये तो बाबा है लेकिन मैं अपनी ओर से दिखा रही हूँ, क्या बेटे अगर है क्या, त्रेता में प्रभु आए भगवान किसी ना किसी रूप में जरूर अवतरित होते हैं, बिल्कुल, तो कहना पड़ा क्या, तो त्रेता में राम आए, द्वापर में श्याम आए, त्रेता में अगर राम का अवतार हुआ तो द्वापर में श्याम का, बिल्कुल बेटे, तो उनके द्वारा सुखी धरा धाम आए, उनके द्वारा ही सुखी धरा धाम पाए, यानी कि उनका अवतार हो गया, बिल्कुल बेटे, अवतार होने के कारण सभी धरा के वासी, धरा के वासियों को सुख की प्राप्ति होने लगी, जब सुख की प्राप्ति होने लगी तो बेटे तो,
देना पड़ा। आज सभी लोग त्रेता और द्वापर को मिला करके सभी लोग जप क्या रहे हैं क्या बेटे क्या? 10 तारीख का जो दिन था अभी कुछ ही दिन बीते हैं बिल्कुल, और जो दिन था उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से सभी लोगों को था क्योंकि इसके पहले भी लोग बोलते थे क्या, क्या? के बोले सब हर मोदी। बड़े भैया आप तो बाबा योगी जी की बात कर रहे हैं लेकिन योगी जी के पहले बोले हर हर मोदी। पूरे भारत के लोग तो बोले हर हर मोदी कहते घर घर मोदी। और इतना ही नहीं हर हर मोदी और घर घर मोदी ऐसे गूंज उठने लगी तो कहना पड़ा तो सारे जहां में वो ऑल इन वन है क्योंकि कहा भी जाता है कि मोदी जी जैसा नेता ना कभी आया है और ना आएगा। बिल्कुल बेटे बहुत बहुत धन्यवाद है, आप ही लोगों के मुख से सुना है, हालांकि मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ लेकिन आप ही लोगों के मुख से सुना है क्या? और हम लोग देखते भी हैं, इसलिए कहना है तो सारे जहां में वो आले भिन देखो जी मोदी तो मोदी है तो सब मुमकिन है। अगर मोदी है तो जो भी नहीं होना चाहिए वो भी हो जाएगा और हो जाता है। हम लोग रात को पता ही नहीं चलता है कि सुबह कौन सी न्यूज आ जाती है। बिल्कुल सोते रहते हैं, मोदी जी अपना काम कर देते हैं, इसलिए कहना पड़ा तो सारे जहां में बोले न बन है। अरे देखो जी देखो जी देखो जी मोदी है तो मुमकिन है। की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने प्रयास किया है कि मोदी जी हैं और पहले मोदी जी हैं तभी तो बाबा बुलडोजर हैं। बिल्कुल बेटे बिल्कुल बिल्कुल सुनेगा धन्यवाद है। आइएगा एक गीत और आपने दिया है। बिल्कुल बिल्कुल गाया क्या है सुनिएगा क्या? अरे उनसे नजर मिली पहली बार नजर मिली पहली बार। अरे उनको हो गया हमसे प्यार लेकिन अरे पास ना बैठे वो पल भी। प्रेम प्रेम तो ऐसा है सामान्य दिनेश भैया
प्यार तो रिश्ते में बना रहे तो ही अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बेटे, जैसे हम दोनों का प्यार है और वो प्यार है भाई बहन का प्यार, सुनिएगा बिल्कुल बेटे कैसे है, इसलिए कह रही हूँ। तो उनसे नजर मिली पहली बार, दोस्त हो गया हमसे प्यार, अरे पास ना बैठे वो एक दिन और हो गई आंखें चार, और हो गई आंखें चार, और हो गई आंखें चार। तो गाया क्या बेटे, अरे ऐसा हुआ असर उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए, समझने बड़े भैया। हाँ बढ़िया गीत, बढ़िया प्रसंग आपने दिया है, सुनेगा अपनी ओर से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपका गीत बोल रहा है क्या बेटे, क्या मुझे बना रही हो सजन तो मेरी तीन शर्त है, अच्छा बस तीन ही ला पाए। बिल्कुल बेटे, बस तीन बार ही आपकी नैया अटक रही है। बिल्कुल बेटे यही तो है, तीन शर्तें हैं। अरे ऐसी कितनी शर्तें दिखा दूं, कितनी शर्तें दिखा दूं। बिल्कुल बेटे, जब आपने अगर तीन शर्त ली हैं, शर्तें मुझे चार भी मिल रही हैं, पांच भी मिल रही हैं, लेकिन आइएगा अपनी ओर से समानी बड़े भैया, लेकिन सुनिएगा अपनी ओर से प्रयास कर रही हूं। बिल्कुल कहना पड़ा, एक बार जब गंगा और शांतनु दोनों में वार्तालाप चल रहा है, विवाह की बातचीत आगे बढ़ने लगी, गंगा ने कहा मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार तो हूँ, क्या बेटे लेकिन जिस दिन आप मुझे टोक देंगे मैं उसी क्षण आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, और ये मेरी आपसे शर्त है। कौन सी बेटे, बड़े भैया ये मेरी आपसे शर्त है। शांतनु ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल बेटे, बड़े भैया इसे कहते हैं शर्त, और शर्त है क्या, क्या सुनिएगा पंक्तियों के माध्यम से। बिल्कुल, तो मेरी बात का दमन एक को लेकर के चल रही हूँ, सुनेगा क्योंकि जीरो के पहले एक ही आता है, और आपने बीस से गाया है, बीस से गाने की मुझे आदत नहीं है, या तो पॉइंट को ऐसा पकड़िए कि पहले शुरू हो या फिर बिल्कुल बाद का हो, सुनेगा मेरी बात कहो ना दमन तो मेरी एक शर्त है, बन जाऊंगी मैं सजन
बना लूंगी तुम्हें सजन, तो मेरी एक शर्त है। पत्नी ने मन विचार किया, रिश्ता वो स्वीकार किया। मतलब स्वीकार कर लिया तो क्या बेटे? माता गंगा ने, तो पत्नी ने मन विचार किया, रिश्ता वो स्वीकार किया। तो ब्याह शांतनु से बन गई है उनकी प्रिया, बन गई है उनकी प्रिया, बन गई है उनकी प्रिया, बन गई है उनकी प्रिया। इसलिए दिनेश भैया, मैं ही नहीं के जानते हैं जन जन, सभी लोग जानते हैं कि गंगा की सिर्फ एक ही शर्त थी। हाँ। के जानते हैं जन जन, जानते हैं जन जन, अरे जानते हैं जन जन के मेरी एक शर्त है। लेकिन पतिदेव बनो तुम मेरे सजन, बच्चों मेरी एक शर्त है। एक शर्त और मिल रही है। हाँ। जरदकारू का विवाह हो रहा है, यानी कि पति का नाम भी जरदकारू और पत्नी का नाम भी जरदकारू। जब दोनों का विवाह होने लगा तो पति ने एक शर्त रख दी। कौन सी बेटे? मेरे भैया दादाजी, पति ने एक शर्त रख दी कि जिस दिन तुम मुझे टोक दोगी उस दिन मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। बिल्कुल बेटे। जब ऐसा कहा तो कहना पड़ा, सुनेगा दूसरी पंक्ति, तो सबका मान किया उसने। तो जरदकारू ने मान किया और किसका? किसका? तो सुरों का है सम्मान किया, लेकिन तो शर्त का जब ना ध्यान किया, तो शर्त का जब ध्यान किया, और पत्नी ने अनुमान किया। एक बार पति पत्नी दोनों बैठे हुए हैं और जरदकारू आता है, तो पत्नी की जंघा पर सर रख करके सो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरदकारू यानी उसकी पत्नी को, और जब ऐसा कर दिया जरदकारू ने तो कहना पड़ा, तो है ग्रंथों का एक कथन, बड़े भैया, तो है ग्रंथों का एक कथन, पर मेरी एक शर्त है। क्योंकि
बस एक ही शर्त थी, मैं कुछ भी करूं लेकिन आप मुझे टोक नहीं सकती हो, और जिस दिन आप मुझे टोक दोगी उस दिन आपको छोड़ करके चला जाऊंगा। सुनिएगा, तो है ग्रंथों का ये कथन, है ग्रंथों का ये कथन, तो है ग्रंथों का ये कथन, तो मेरी एक शर्त है। अपनी ओर से लेकर के चल रही हूँ। बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सुलझी हुई धुन और बिल्कुल सुलझा हुआ प्रसंग। और दूर ही रहते हैं, कान्हा ने राधा राधा
एक नैया नैया हो कान्हा ने राधा राधा कह के आराधा। कन्हैया का स्मरण कर रहे हैं और बंसी बजा रहे हैं तो उसी बंसी की धुन को सुन करके रह ना सकी गई जमुना तट आराधा। बड़े भैया उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वास्तव में आपको गीत अच्छा लगेगा सुनेगा। लेकिन सम्मानीय दिनेश भैया जी मैं अपने गीत में कुछ छुपाऊंगी नहीं और फिर से कह रही हूँ कि मेरे गीत में कुछ है बस आपका ध्यान चाहते हूँ। हाँ बिल्कुल सुनेगा। राधिका जब आ गई कान्हा ने राधा राधा कह के आराधा रह ना सकी गई जमुना तट आराधा। जब राधिका आ गई कन्हैया के पास तो कन्हैया से कहने लगी कि हे कन्हैया अरे जलते हैं लोग ब्रज के हमसे और तुमसे। हाँ जलते हैं लोग ब्रज के ये जलती हैं सखियां और के बदनामी की सब करते हैं बतियां। सभी लोग बदनाम कर रहे हैं हम दोनों के प्रेम को इसलिए हे कन्हैया। राधा ने हाथ जोड़े और कहने लगी हाँ क्या बेटे हो मनमोहना है से वादा है हो मनमोहना तू अभी घर मोहे जान दे। लेकिन कन्हैया आऊंगी कन्हैया जा जुंदैया डूब जान दे। शाबाश बेटे तुझसे मिलने के लिए फिर आऊंगी आऊंगी कन्हैया जा चुंदैया डूब जान दे। अर बसरी पे तेरी नाही चले कोई बसरी और तू बसरी बजा के करता मुझको विवशरी और तेरी इस बांसुरी की धुन को सुन के बेचैन होती मन में बेचैन होती सुन के बिना सुने चैन ना और मैं जिया नहीं माने जब तक जिया नहीं माने जब तक मिले नैनों से नैन ना। जब तक मैं तुझे देख ना लूं तेरा दर्शन ना कर लूं जब तक मेरा जिया नहीं मानता है इसलिए तुझसे फिर कह रही हूं क्या
इतना सताना अपनी राधिका पे ध्यान दे, क्यों मुझे इतना बेबस कर रहा है। इतना सताना अपनी राधिका पे ध्यान दे, कन्हैया आऊंगी कन्हैया जा जो नैया डूब जा। बहे नैन का जल जल से, बहे नैन का जल, एक नैया जो मेरे नैनों में ये नीर है, तेरी याद में ये बहता है, ये मेरी आंखों से बहता है, और जब ये बहता है तो इसके साथ साथ जो मेरी आंखों में काजल लगा हुआ है नीर के बहने से, वो मेरा काजल भी बह जाता है। बिल्कुल, इसलिए दिनेश भैया ध्यान चाहूंगी आपका। हाँ बहे नैन काजल जल से, बहे नैन काजल, तो सुन करके ताने मन में रही राधिका जल, सुनकर के ताने मन में रही राधिका जल। सुनेगा, हो होती है चर्चा ब्रज में तेरे मेरे नाम की, कैसी चर्चा हो रही है, श्याम तो हुआ राधा का, श्याम तो हुआ राधा का, ये राधा हुई श्याम की, सभी लोग ऐसा कह रहे हैं कि श्याम तो हुआ राधा का और ये राधा भी हो गई श्याम की। इसलिए अंतिम पंक्तियों में क्या बेटे, विनोदी विमल कलाकार खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि नंदनी जी आप बात कर रही हैं कि आऊंगी कन्हैया जा जो नैया डूब जान दे, तो यहाँ से कृष्ण कह रहे हैं कि चली जाना राधे पहले सूरज निकल आन दे। आप अगर जुनैया डूबने की बात कर रहे हैं तो हम सूरज निकलने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेटे, लेकिन ऐसी उम्मीद आपसे नहीं है। सुनेगा, हो आऊंगी कन्हैया जा जो नैया डूब जा। तेरा सांचा है दरबार, दरबार दर्शन करने हम आए, तेरा सांचा है दरबार।
दर्शन करने आए गए हैं, हम दर्शन करने आए गए हैं, तो हम दर्शन करने आए गए हैं, हम दर्शन करने आए गए हैं, तो तेरा साचा, हाँ तेरा साचा, कि तेरा साचा